हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नक्षत्र स्पीक्स डॉट कॉम। आई एम डॉक्टर उज्ज्वल अग्रवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियोस हमारे मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या लहसुनिया, जिसे हम कैट्स आई बोलते हैं, और मोती एक साथ पहनना चाहिए कि नहीं। देखिए, जनरली बोलते हैं कि मून का कोई एनिमी नहीं है, चंद्रमा का कोई दुश्मन नहीं है। अगर हमको इस चीज को समझना है कि लहसुनिया या कैट्स आई, जो कि केतु का स्टोन है, उसका कॉम्बिनेशन मून के साथ कैसा होगा, तो मुझे पहले केतु को और मून को समझना होगा। केतु जो प्लैनेट है वो प्लैनेट है डिटैचमेंट का। केतु कुंडली में जहां भी बैठेगा वहां से मुझे अलग कर देगा। अगर केतु लग्न में बैठा है तो आपको अपने आप से डिटैचमेंट होगी। केतु अगर सेवेंथ हाउस में बैठा है तो आपको अपने पार्टनर से डिटैचमेंट हो जाएगी। केतु अगर सेकेंड हाउस में बैठा है तो आपको फैमिली से और वेल्थ से डिटैच करेगा, अलग कर देगा। अब मून, मून क्या है? मून मेरा मन है, मेरे इमोशंस हैं, मेरी फीलिंग्स है, मेरी स्लीप है, मेरा थॉट प्रोसेस है। ये सब कहां से कंट्रोल होता है? ये मून से कंट्रोल होता है। अब अगर हमने मोती, जो कि मून का स्टोन है, और लहसुनिया एक साथ पहन लिया, एक साथ पहनने का मतलब ये नहीं है कि एक ही फिंगर में पहना, एक साथ का मतलब है कि हमने डिफरेंट फिंगर्स में पहन लिया। लहसुनिया हमने मिडल फिंगर में पहना, कैट थाई मिडल फिंगर में पहना, और मोती हमने सबसे लास्ट फिंगर या छोटी फिंगर में पहन लिया। अब केतु का एनिमी है मून, केतु का दुश्मन है मून, और अगर आपने ये दोनों स्टोन एक साथ पहने तो आपके मन में डिटैचमेंट का भाव बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं डिटैचमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अलग हो जाना। हम बोलते हैं केतु मोक्ष कारक है, केतु आपको मोक्ष देगा। और केतु मोक्ष कब देगा? जब आपके पास फैमिली ना हो, परिवार ना हो, पेरेंट्स ना हो, पार्टनर ना हो, बच्चे ना हो, घर ना हो, फाइनेंशियल वेल्थ ना हो, आपके लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, तो आपको मोक्ष मिलेगा। और अगर हमने कैट्स आई और पल एक साथ पहना तो डिटैचमेंट मेरे मन में आनी शुरू हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि डिटैचमेंट कहां से आएगी, किस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आएगी? ये डिसाइड करेगा केतु और मून का प्लेसमेंट इन द होरोस्कोप। कि कुंडली में केतु और मून जहां बैठे हैं वहां से उन चीजों से आपको डिटैच करना शुरू कर देंगे। अगर आपको स्पिरिचुअल सक्सेस चाहिए, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, आपको संन्यास मार्ग में आगे जाना है, तो यस, दिस कॉम्बिनेशन इज गुड। लेकिन अगर आप मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, परिवार है, तो ये कॉम्बिनेशन डेंजरस कॉम्बिनेशन है और हमको ये स्टोन्स नहीं पहनने हैं। केतु को मून के साथ बिल्कुल मत पहनो। फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हमारी वेबसाइट है nakshatraspeaks.com, हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने का मन है, समझने का मन है, आपको लगता है कि ये शास्त्र मुझे आना चाहिए, तो हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप उनको ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। विश यू हैप्पी लर्निंग, और हम वीडियोस बनाते रहेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।